पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं खास खबरों की। गौतम अडानी का वादा, अमेरिका में करेंगे $10 बिलियन का निवेश, नौकरियों के भी बनेंगे मौके। देश के सबसे रईस बिजनेसमैन गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने अडानी समूह के जरिए अमेरिका में $10 अरब निवेश करने का ऐलान किया है। अडानी ने लिखा कि अडानी समूह अपनी वैश्विक विशेषज्ञता का फायदा उठाने और अमेरिकी एनर्जी सेफ्टी और मजबूत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में $10 अरब का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इससे 15,000 नौकरियों के मौके पैदा करना है। स्पेस साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स की सेहत पर मचाता बवाल, अब थोड़ी चुप्पी। अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपनी सेहत पर चल रही चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में आई तस्वीरों में वो कमजोर दिखाई देने पर प्रशंसकों में एक हड़कंप मच गया था। सुनीता ने कहा, मेरा वजन उतना ही है जितना जब मैं यहाँ आई थी। उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से उनके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं। 7 दिन में 4,700 सस्ता हुआ सोना, जाने दिल्ली चेन्नई में 22 और 24 कैरेट का भाव। गोल्ड की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। 7 कारोबारी दिनों में सोना 4,747 रुपए सस्ता हुआ। MCX पर गुरुवार को गोल्ड में 683 रुपए की गिरावट के साथ 73,799 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। विक्की कौशल महाअवतार में निभाएंगे परशुराम का किरदार, सामने आई तस्वीरें। विक्की कौशल अमर कौशिक द्वारा निर्देशित फिल्म महाअवतार में चिरंजीवी परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। जी हां, एक पोस्टर में वो जंग लगी धोती और रुद्राक्ष पहने हैं। विक्की ने लिखा है, दिनेश विजन ने धर्म के शाश्वत योद्धा की कहानी को जीवंत कर दिया है। 400 सीटों की मांग ने चुकाया, शरद पवार ने खोला इंडिया गठबंधन का राज। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बीच NCP ने BJP पर हमला बोला है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में BJP के लिए 400 सीटें चाहते थे क्योंकि उनकी नजर भारतीय संविधान को बदलने पर थी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इसी संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है। सोरेन ने चुनाव आयोग का किया पर्दाफाश, भाजपा ने 72 लाख किस पर खर्च की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 13 नवंबर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने शेडो कैंपेन के माध्यम से फेसबुक विज्ञापनों पर 72 लाख रुपए खर्च किए। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने विज्ञापनों का उद्देश्य उनकी राज्य की छवि को धूमिल करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चिराग पासवान BJP में आई दूरी, PM के मंच पर क्यों अलग थलग दिखे। दरभंगा में PM मोदी ने बुधवार को AAIMS का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान PM मोदी से दूर बैठे नजर आए। चिराग पासवान ने आरक्षण, UPSC में लेटरल एंट्री और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर NDA से अलग राय रखी है। PM मोदी ने चिराग पासवान को पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखाई। हालांकि चिराग पासवान ने NDA सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये विकास रथ ऐसे ही चलता रहेगा। इसरो अब सोच से भी आगे, खर्च से 2.5 गुना ज्यादा है कमाई, चीफ सोमनाथ का बड़ा खुलासा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अपने द्वारा खर्च किए गए हर रुपए पर 2.5 गुना कमाता है। मंगलवार को कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी के छात्रों के एक संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि इसरो का लक्ष्य देश की सेवा करना है। वही इसरो द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष सलाहकार नोवा स्पेस के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लाभों का आकलन भी किया गया है। जंग की तैयारी में सऊदी अरब भारत से मिला समर्थन, क्या पक रहा है। सऊदी अरब गाजा पर इसराइल के हमले से चिंतित है और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सऊदी नेता ईरान और भारत सहित कई देशों का दौरा कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से सेना की वापसी की मांग की। भारत ने गाजा में युद्ध विराम का समर्थन किया है और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए दो राज्यों का समर्थन किया। बांग्लादेश में चुनाव हुए तो होगी हसीना की वापसी, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में 3 महीने के भीतर अंतरिम चुनाव होते हैं तो शेख हसीना की पार्टी सत्ता में आ जाएगी। 8 नवंबर को इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर फरवरी तक चुनाव होते हैं तो आवामी लीग 160 से 170 सीटें प्राप्त कर सकती है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।